हेलो एवरीवन, आज के पेपर में देखिएगा। केमिस्ट्री के पेपर में फर्स्ट आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक सॉल्ट, इनमें से कौन सा अम्लीय लवण नहीं है। तो देखोगे लवण का निर्माण कैसे होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होगा। एक एसिड और एक बेस की जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है उससे तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। एसिडिक सॉल्ट है इट मीन्स वहां पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ। जैसे फर्स्ट की बात करें तो देखो NaOH ये किससे बनेगा, NaOH प्लस H2SO4 ये है। तो यहां पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो इसके कितने मोल लिए जाते हैं, दो, क्योंकि इस पे कितना एस प्लस आइन देगा, ये 2H+ आइन देगा। इट मींस इसका इनकम्प्लीट या पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। तो यहां से क्या बना, NaHSO4। इट मींस ये वाला एस प्लस है, इसका फिर से न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, या ये कह सकते हो जहां पर भी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से एच बचा होता है वो हमारा होता है एसिडिक सॉल्ट। तो फर्स्ट वाला तो एसिडिक सॉल्ट है। सेकेंड आप देखोगे सेकेंड का फॉर्मेशन किससे होता है, फॉर्मिक एसिड और NaOH। फॉर्मिक एसिड है, एच प्लस तो यही निकलता ना, यहां से एच प्लस और यहां से क्या निकलेगा, ओ एच माइनस। तो किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेशन होगा, साथ में क्या बन गया, वॉटर। तो यहां पे आप देख रहे हो इसके पास में एच प्लस नहीं बचा होगा, यहां पर जो हाइड्रोजन बचा हुआ तो कार्बन से अटैच है। एच प्लस कौन सा निकलता है, एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन के साथ में अटैच होता है। तो यहां पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ, बाकी सब में एच प्लस बचा रहेगा, इसमें इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो कौन सा हो गया, सेकेंड वन। ठीक है, ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखो द फॉर्मूला ऑफ वेट, H2SO4 इज 98, द वेट ऑफ एसिड इन 400 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन इज, H2SO4 है उसका अणु भार या सूत्र भार कितना दे रखा है, 98, तो 400 ml, 0.1 m विलयन में ml का भार क्या होगा, इसकी मोलरिटी आपको गिवन है। तो देखो मोलरिटी गिवन है, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल पर वॉल्यूम होता है। मोल क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम ml में गिवन हो देन मल्टीप्लाई बाई 1000, ये करो। ये वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1। एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, मॉलिकुलर वेट कितना होता है इसका 98, वॉल्यूम कितना है 400 ml इंटू 1000, 20 से 20 कैंसिल आउट, क्या बचा, एक्स इक्वल टू 98 इंटू 4 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 10। तो इसकी जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, 98 इंटू 4 इंटू 10^-2, ये लिख सकते हैं। तो देखो 4 को 98 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 3, कितना हुआ, 8 × 4 = 32, 3 हो गया, 36 और 3 = 39, 2 के बाद में 0, 3.92 ग्राम, तो कौन सा हो गया, सेकेंड। तो हम ये जानते हैं मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर वॉल्यूम आपको ml में गिवन है देन मल्टीप्लाई बाई 1000, क्लियर। उसके बाद में देखिएगा 48, देखो Which of the following species is more soluble in water? Water में कौन सी ज्यादा soluble है? KSP की value given है, जिसके लिए solubility सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा soluble होगा। First के लिए आप देखोगे कैसे calculate करते हैं, MOH का whole thrice है, ionize करोगे किसमें जाएगा, M+3, 3OH-, तो KSP equal to आप क्या होगा, ये क्या होता है S और ये वाला कितना होता है 3S, ये करते हो ना stoichiometry से, ये S है तो इससे क्या बनेगा S और 3S, तो S की पावर 1 और 3s इसकी पावर कितनी होगी, 3, तो कितना होगा 27 × 4, तो s इक्वल टू क्या लिखोगे, ksp अपॉन 27 पावर कितनी लगाओगे, 1/4, इसका 1/4 करना। ऐसे ही सेकेंड वाले के लिए आप बात करोगे क्या होगा, MOH होल ट्वाइस आयनाइज करते हो, M+2, 2OH-, सॉलिबिलिटी के बेसिस पे आपने देखा ये कितना होगा S और ये कितना होगा 2S, देन KSP इक्वल टू S और 2S का स्क्वायर क्या होगा, 4S³, देन KSP इक्वल टू क्या, सॉरी S इक्वल टू क्या होगा, KSP अपॉन 4^1/3। ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए हो गई, ये वाला सेकेंड ऑप्शन के लिए सॉलिबिलिटी आ गया।
फिर ऐसे ही हम थर्ड ऑप्शन इसके लिए काउंट करोगे, तो यहां पे तो क्या डायरेक्ट एम प्लस और ओ एच माइनस, ये हो ये एस, ये एस, देन के एस पी इक्वल टू क्या होगा एस स्क्वायर, देन एस इक्वल टू क्या होगा रूट के एस पी। अब यहां देखो के एस पी की वैल्यू 10^-28, तो ये कितना होगा 10^-14, ये हुआ। अब फर्स्ट में 10^-35, मैं लगभग 10^-36 मान लेता हूं, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10^-12, लगभग में बात कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा 10^-12 1/27 इसे डिवाइड भी कर रखा है, वैसे है नहीं ये 10^-12, इससे वैल्यू क्या होगी कम। तो जब ये कैलकुलेट करोगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू है 10 की नेगेटिव पावर जहां पर सबसे कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो ऐसे काउंट करोगे तो सबसे ज्यादा किसके केस में आएगी, फर्स्ट वाले केस। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखिएगा 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, द इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एम एक्स एन, यूज द मेड ऑफ द फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो एन इसकी वैल्यू क्या होगी, एन की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर मैं 1 मानूं तो ये क्या होगा एम एक्स, आइनाइज करोगे क्या बनेगा एम प्लस एक्स माइनस, ये सॉल्युबिलिटी एस एस, तो के एस पी इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में एस स्क्वायर, ये तो मैच नहीं कर रहा। फिर मैंने एन की वैल्यू कितना रखा है 2, एम की वैल्यू 2 लिखा, तो एम एक्स 2, आइनाइज करोगे एम प्लस 2 2x माइनस, यहां पे ये वाला क्या होगा s और ये कितना होगा 2s, देन ksp इक्वल टू क्या आपके पास में ये वाला s, ये 2s है इसका स्क्वायर, तो क्या होगा 4s क्यूब, तो s इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा ksp अपॉन 4^1/3, ये वाला भी मैच नहीं किया। तो थर्ड वाले ऑप्शन पे हम ट्राई करते हैं, तो थर्ड वाले ऑप्शन में हम n की वैल्यू कितनी ले रहे हो आप 3 वैल्यू ले रहे हो, तो क्या होगा mx 3, आइनाइज करोगे m प्लस 3 3x माइनस, ये होगा s, ये वाला कितना होगा 3s, देन ksp इक्वल टू कितना होगा s की पावर 1 3s इसकी पावर 3 होती है, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसकी हम पावर लगा देते हैं, तो कितना होगा 27s की पावर 4 इक्वल टू ksp, देन s इक्वल टू क्या होगा ksp अपॉन 27, पावर कितना होगा 1/4। क्लियर हुआ, नोट कीजिएगा इसको, सब कंसेप्ट चल रहा बेटा, थोड़ा सा ध्यान देके करते। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट शो हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोथ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा सॉल्ट है जिसका एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में दोनों का अपघटन होगा, केटाइन और एनायन दोनों जल अपघटित होंगे, तो हाइड्रोलाइसिस उस आयन का होता है जो वीक से आता है, वीक का हाइड्रोलाइसिस होता है, तो यहां पे आप देखोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड पहले वाला, दूसरा HCl, तो दोनों का नहीं होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होगा HCl का नहीं होगा। यहां पर देखो सोडियम एसीटेट ये तो वीक है और NaOH क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन यहां पर देखो क्या है एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड होता है ये वाला वीक एसिड है, और दूसरा कौन सा होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है वीक बेस, तो यहां पर वीक एसिड और वीक बेस दे रखा है, तो जो वीक कंपोनेंट होता है उन दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा, तो यहां पर इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, नोट कर लीजिए इसको, तो वीक वाले का हाइड्रोलाइसिस हो। नेक्स्ट देखो pH of the solution of salt undergoing hydrolysis is, लवण, ये लवण दे रखा है सोडियम एसिटेट के विलयन के जल अपघटन पे pH है, कैसे कैलकुलेट करते हो, तो देखो वीक आपके पास में एसिड है और यहां पे क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड आपके क्या होगा वीक, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए pH का आता है 1/pKw plus pKa plus log C, इससे कैलकुलेट करते हो, सोल्व करते हैं तब तो क्या आता 1/2 pKw plus 1/2 pKa plus half log C, half common ले लिया तो क्या होगा pKw plus pKa plus log C। ठीक है, तो ध्यान रखिए किसके लिए आता है वीक एसिड के लिए।
क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, 52 के अंदर सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन स्वेग ट्रीटमेंट. व्हाट इज द मैक्सिमम पीएस दैट कैन बी स्टेबलाइज्ड इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. मल उपचार में बुझा हुआ चूने का बहुतायत प्रयोग किया गया है, अधिकतम पीएच क्या है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्थायी हो. तो देखो केएसपी की वैल्यू दे रखी, ये होता हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया. जब इसको आयनाइज करते हो तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, कैल्शियम आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, और किसमें कन्वर्ट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर. तो ये वाला कितना बनेगा एस, और ये किसके बराबर है 2s. इसे एस की वैल्यू निकालते हैं तो केएसपी मेरा किसके बराबर होगा, एस 2s का स्क्वायर. तो के एस पी इक्वल टू 4s क्यूब, देन s इक्वल टू के एस पी अपॉन 4 पावर कितनी लगा दोगे 1/3. तो यहां पे आपने के एस पी की वैल्यू देखी, तो के एस पी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, 3.2 × 10⁻⁵ डिवाइड बाई 4, पावर कितनी लगा दी आपने 1/3, पॉइंट हटाए तो कितने हो गए 10⁻⁶, 8 × 4 = 32. तो 8 का 1/3 क्यूब कितना होता है 2 × 10⁻². ये वो, तो यहां पे हमें हमारे पास में आप देखोगे पीओएच निकालने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी कंसंट्रेशन का पता होना चाहिए. हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, 2s के इक्वल. s की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 2 × 10⁻². ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट करोगे आप s की, तो मेरे पास में कितनी वैल्यू होगी, 4 × 10⁻². ये हाइड्रोक्साइड आयन है, इसकी कंसंट्रेशन हुई, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. तो यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा पीओएच, तो पीओएच क्या होगी 2 − log 4, तो कितना हुआ 2 − 0.6, कितना होता 1.4. तो मेरे पास में पीओएच है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.4, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है पीएच. तो पीएच काउंट करोगे तो पीएच इक्वल टू होता है 14 − पीओएच, 14 से पीओएच है उसकी वैल्यू को माइनस कर दो तो हमारे पास में आ जाएगी पीएच. तो क्या होगा मेरे पास में 14 − 1.4, तो कितना होगा 12.6. विच वन, सेकेंड, नोट कीजिएगा इसको, सेकेंड इसका ऑप्शन होगा. आगे चले, नोट किया इसको. अब देखिए द पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का संतृप्त विलयन, इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है. देखो शॉर्ट में लगभग में कैलकुलेट करते हैं किसमें टूटेगा, मैग्नीशियम प्लस टू, टू ओ एच नेगेटिव, ये कितना होता है एस, ये किसके बराबर होता है 2s. तो मेरा के एस पी वो किसके बराबर हो गया, एस की पावर 1, 2s की पावर 2, तो के एस पी किसके बराबर 4s क्यूब, ये हो गया मेरा के एस पी. तो s किसके बराबर हो गया, के एस पी अपॉन 4 इसकी पावर 1/3. अब देखो के एस पी की वैल्यू कितनी है, 10⁻¹ⁱ डिवाइड बाई 4. ठीक है, मैं इसको राउंड फिगर में ये मान लेता हूं, लगभग में 10⁻¹² मान लेता हूं, 1/2. ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, 10⁻¹⁴. इससे मेरे पास में पी कितनी आ गई, 10⁻¹⁴ आई, किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू, लगभग में मैंने काउंट किया. तो इसके बेसिस पे मेरे पास में कैलकुलेट करेंगे 10⁻¹⁴. तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, 2s के बराबर. हाइड्रोक्साइड आयन उसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर है, 2s के बराबर. तो क्या होगा 2 × 10⁻⁴, यानी 4 − log 2. log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, तो कितना बच गया 3.7. ये तो इसके बेसिस पे ये मेरे पास में क्या आ गया, पीओएच, ये मेरे पास में आ गया पीओएच. लेकिन हमें किसको कैलकुलेट करना होता है, पीएच को. तो पीओएच से पीएच कैसे बनाते हैं, 14 से माइनस कर दोगे
तो पीएच की वैल्यू आपने काउंट किया तो क्या होगा 14 माइनस 3.7, ठीक है, तो ये लगभग 10 के पास में आएगी, 10.4। सिंपल सा होता है, क्या करना आपको सबसे पहले आयनाइज करो, केएसपी की वैल्यू दे रखी हो एस और टू एस, ये आगे स्टोइकोमेट्री के रेस्पेक्ट में सॉल्युबिलिटी लिख रहा हूं, फिर केएसपी उसको काउंट कर लो, उसके बेसिस पे आपने एस को कैलकुलेट किया, फिर देखा हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के लिए इससे हमें पीओएच आएगी, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर है 2s के बराबर, इसे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आई तो उससे हमने पीओएच कैलकुलेट कर लिया, पीओएच क्या होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ओएस माइनस आयन, और पीएच काउंट करना हो देन 14 माइनस पीओएच, ठीक है, नोट कीजिए। द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इन द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देखो टाइट्रेशन में किसको काम में ले रहा है, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का अनुमापन, स्ट्रॉन्ग के बेसिस पे पीएच का डिटर्मिनेशन होता है, और स्ट्रॉन्ग के लिए बेस है उसके बेसिस पे करोगे तो बेस की पीएच के लिए आप देखोगे, स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसकी पीएच के लिए, और वीक एसिड है तो लगभग कितना होना चाहिए 7 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो बेस वाली पीएच किसके लिए होती है 8 × 8 to 9.6, ये वाली होती है, याद रखने वाला क्वेश्चन, यहाँ पे तो फिनोप्थेलिन ने इसकी डेटा दे दिया, हो सकता है डेटा भी नहीं दे, तो उस केस में याद रखना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का होता है तो हम किसको काम में लेते हैं वहां पर फिनोप्थेलिन को काम लेंगे। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, एक वीक एसिड हैज द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट वीक एसिड हैज द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, देखो इसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट कितना है 1 × 10⁻⁵, इट फॉर्म द सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में सॉल्ट का फॉर्मेशन किया है, द परसेंटेज हाइड्रोलाइसिस ऑफ 0.1 mm सॉल्यूशन ऑफ NaX, NaX के 0.1 mm सॉल्यूशन है उसके लिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछा है, प्रतिशत जल अपघटन की मात्रा ज्ञात करनी है, दुर्बल अम्ल है जिसका वियोजन स्थिरांक आपको ये दे रखा है, सांद्रता कितनी 0.1 mm, तो दुर्बल अम्ल का क्या होता है हाइड्रोलाइसिस H इक्वल टू रूट के एच अपॉन सी, ये होगा, वीक एसिड है तो के एच किसके इक्वल होता है KW अपॉन KA, तो मैं ये लिख सकता हूं ना KW अपॉन KA इंटू सी, KW इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 10⁻⁴, K की वैल्यू कितनी आपके पास में 1 × 10⁻⁵, कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.1 इसका अंडर द रूट, देन एच इक्वल टू परसेंटेज में कैलकुलेट करना, देन मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे आपके पास में कितना है 10⁻⁶, ऊपर कितना है 10⁻⁴, तो यहां से आपने काउंट किया कितना बचकर 10⁻⁸, ये है ना, तो कितना होगा 10⁻⁴, परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100 तो कितना होगा 10⁻²%, एंड इट कैन बी राइट 0.01%, ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। और देखते हैं आगे, नोट किया इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आगे देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट, कौन सा इनमें से प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट है जो एस प्लस आइन देता है, तो HClO4 होता है वीक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो क्या देता है प्रोटॉन डोनर होता है एस प्लस आइन देगा, अब देखिए केएसपी कैलकुलेट करना है, इन केएसपी कैलकुलेट करना इस कंपाउंड के लिए इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की टर्म में केएसपी देखिएगा, ये मेरे पास में Zr3PO4⁄4, आयनाइज करोगे कैसे 3 जर्कोनियम प्लस 4 4 PO4 3 नेगेटिव, क्या होगा 3s, स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग s लिख लेते,
तो मेरे पास में क्या होगा, के एस पी इक्वल टू 3s, स्टाइकोमेट्रिक ऑप्शन की पावर लगा दो 3, 4s इसकी पावर कितनी होगी 4, तो यहां पे तो क्या होगा 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और s की पावर कितनी होगी 7, इसको जब मल्टीप्लाई करते हुए आता है 6912 एस टू दी पावर 7, विच वन करेक्ट, फोर्थ वन, क्लियर है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट देखो, हंड्रेड एमएल ऑफ एन बाई फाइव, 100 ml of N by 5 ammonium hydroxide is mixed with 100 ml of N by 10 HCl. Then the calculate the pH of resultant solution or Kb of ammonium hydroxide, ये दे रखा है। अब देखिए यहां पे क्या है, वीक बेस को किसके साथ में मिलाया है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में मिलाने पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, देखो ये वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, किसका फॉर्मेशन करेगा, अमोनियम क्लोराइड का, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। तो बफर सॉल्यूशन बना तो वहां पर आप कैलकुलेट करते हो POH क्या होता है, PKB प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये होता है। अब देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसकी कंसंट्रेशन मिलीग्राम इक्विवेलेंट में ले लेते हैं, एमएल में दे रखा है, तो ये कितना होगा N1V1, ये होगा, ऐसे इसके लिए N2V2 करोगे, ये कितना होगा N1 कितना 1/5, वॉल्यूम है 100, तो ये कितना होगा 20 मिलीग्राम में, मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, इसके लिए आप देखोगे तो ये कितना है 10, ये होगा ना M1V1, N1V1 ये तो कितना हुआ 100 into 1/5, दूसरा इसके लिए बात करोगे N2V2 तो कितना होगा 100 1/10, कितना बच गया 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, और ये कितना है 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये 20 न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो ये तो कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा 10, लिमिटिंग के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये भी कितना बन गया 10, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, बेस ये कितना 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, तो POH वो किसके बराबर आ गई हमारी पीकेबी के बराबर, ये होगा पीकेबी क्या होता है माइनस लॉग केबी, क्या हुआ 5 माइनस लॉग 1.8, ये होगा, तो 5 माइनस 1.8 लगभग कितना, 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30 होती है, 0.30 से थोड़ा सा कम होता है, लगभग मैं मान लेता हूं 0.24 मान लेता हूं राउंड फिगर में मानना, तो कितना बच गया 4.76, ये आ गया, ये तो हमारे पास में POH आ गया, pH आपको कैलकुलेट करनी है, तो क्या होगा 14 माइनस 4.76 तो कितना होगा 9.24 के आसपास आ गया, 26 राउंड फिगर में माना था, ये वाला कौन सा होगा 9.26, ठीक है, नोट कीजिएगा इसको, आगे देखो, आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज अनसेचुरेशन, निम्न में से कौन सी स्थिति में AgCl का विलयन हो असंतृप्त है, संतृप्त असंतृप्त और अति संतृप्त के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर आयनिक कांस्टेंट, देखिएगा इसके लिए क्या कंडीशन होती है, देखो यहां पे ये कंडीशन होती है, अगर आयनिक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू केएसपी से कम है तब तो होता है अनसेचुरेशन, यहां पे होगा अनसेचुरेशन, अगर आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी है दोनों इक्वल होता तब क्या होता है सेचुरेशन, और केआई की वैल्यू अगर केएसपी से ज्यादा होगी तो क्या होगा सुपर सेचुरेशन, सुपर सेचुरेशन। अब देखो आयनिक प्रोडक्ट
प्लस और सीएल माइनस, किसकी वैल्यू केएसपी से कम है, जहां पर केएसपी से कम वैल्यू आ रही है आयनिक प्रोडक्ट की, वो वाला क्या होता है आपका, असंतृप्त विलयन है। तो कौन सा होगा, थर्ड वाला। अब देखिएगा, फॉर प्योर वॉटर, शुद्ध जल के लिए बात कर रहे हैं, विथ पीएच इंक्रीज विथ वाइल पीओएच डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर पीएच बढ़ती है पीओएच घटती है, ताप बढ़ाने पर पीएच घटती है जबकि पीओएच बढ़ेगी, ताप बढ़ने के साथ पीएच और पीओएच दोनों घटती है। देखो कैसे बेटा, रूम टेम्परेचर पे एस प्लस और ओ एच आयन है, इसकी कंसंट्रेशन है का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 10^-14। जब इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होता है, जहां पर ये वाली वैल्यू कितनी आती है, 10^-7। ये न्यूट्रल पॉइंट, पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 10^-7 होती है, यानी एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन या ओ एच आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, 10^-7 की इक्वल है। अब देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ये बढ़ता है, टेम्परेचर को जब आप राइज करोगे तो टेम्परेचर राइज करने पर एस प्लस आयन की कंसंट्रेशन और ओ एच आयन की कंसंट्रेशन है, इनकी कंसंट्रेशन होती है, ये क्या होती है, इंक्रीज, तो इंक्रीज होगी, मान लो 10^-14 इंक्रीज होगी 10^-12। माइनस के अंदर जो पावर जितनी कम होती है ना, रियल में प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा होता है। तो यहां पर अब हाफ पॉइंट आप देखोगे तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कितना होगा, 10^-6। जैसे यहां पर न्यूट्रलाइजेशन पीएच 7 थी तो यहां पर कितनी होगी, 6। ये तो होता ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एस प्लस आयन की कंसंट्रेशन और ओएच आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, एंड पीएच एंड पीओएस बोथ आर इनवर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ एस प्लस आयन एंड ओएच नेगेटिव आयन, बिकॉज वी नो दैट पीएच इक्वल टू होता माइनस लो कंसंट्रेशन ऑफ एस प्लस आयन, एंड सिमिलरली पीओएच इक्वल टू होता माइनस लो कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आयन। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच और पीओएस दोनों बढ़ती है, क्योंकि एच और ओएच नेगेटिव दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। ठीक है, ऐसे ही आगे का देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड इज 20% आयोनाइज्ड इन 0.05 mL एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज, एसिटिक अम्ल के 0.05 mL जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल होता हो 20% आयनित होता है, विलयन की पीएच क्या होगी। तो वीक के लिए क्या होता है, एस प्लस आयन की कंसंट्रेशन, देखिएगा एक बार, देखो एसिटिक एसिड होता है, वीक एसिड होता है, देखो किस टाइप से आयनाइज करते हैं, ये होगा एसिटिक एसिड, आयनाइज करोगे तो किसमें जाएगा, एस प्लस आइन और एसिटेट आइन के अंदर ऐसे जाता है, टी इक्वल टू जीरो टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन सी है, ये वाला क्या होगा, जीरो जीरो। इक्विलिब्रियम मान लो या जहां पे आयनाइज हो रही है किसके बराबर होगा, सी माइनस सी अल्फा, ये किसके बराबर होता है, सी अल्फा, ये क्या होता है, सी अल्फा। तो यहां पर एस प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर आ गई, सी अल्फा के बराबर, कंसंट्रेशन ऑफ एस प्लस आयन इज इक्वल टू सी अल्फा, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.05, अल्फा कितना, 20%, यानी 20/100 कितना होगा, 5, तो कैंसिल करोगे 5 से 5 कैंसिल, कितना बचेगा, 10^-2। तो पीएच है उसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस लॉग एस प्लस आयन की कंसंट्रेशन, या 10 की जो नेगेटिव पावर होती है वही क्या होती है, पीएच, तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, 2। ठीक है, नोट कीजिए इसको, आगे चले, लेविस एसिड, लेविस एसिड कौन सा होता है, एस परमाणु होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन दाता, लुईस एसिड के लिए हम जानते हैं, लुईस एसिड और लुईस बेस कंसेप्ट क्या होता है, जो लोन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, वो होता है बेस, और एसिड क्या होता है, लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करता है वो होगा, इज ए एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट आ गया यहां पर, कौन सा होगा, नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट
इनमें से कौन सा सही नहीं है? एस प्लस और ओ एच आइन की कंसंट्रेशन बराबर होगी जब रूट के डब्ल्यू, ठीक है ये वाली बात। एस प्लस और ओ एच नेगेटिव आइन का आयनिक प्रोडक्ट है, वो किसके बराबर होता है? के डब्ल्यू के बराबर होगा। तो दोनों इक्वल करोगे तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो क्या होगा? रूट ले लोगे। फिर देखो सेकंड, एस प्लस और ओ एच आइन की कंसंट्रेशन 10^-7 सभी ताप पर उदासीन विलयन के लिए नहीं। अभी आपको बताया 25 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर के ऊपर देखते हो तब एच प्लस और ओ एच आइन की कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो किसके बराबर मिलती है? 10^-7 के बराबर मिलती है। लेकिन टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये मान ले कि बढ़ के वो कितनी हो सकती है? 10^-6, तो ये वाला इक्वल नहीं हो सकता, तो कौन सा हो गया? सेकेंड, ठीक है, ये पॉइंट आ गया सेकेंड वाला। आगे देखो, ये दे रखा है द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय द मिक्सिंग ऑफ 10 ml ऑफ 10^-1 m HCl एंड 10 ml ऑफ 10^-1 n NaOH। तो यहां पे देखो HCl स्ट्रॉन्ग, फिर से गड़बड़ हो जाता है, देखिए यहां पे क्या दे रखा है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया HCl और आपके पास में बेस दे दिया NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो क्या बनाएगा? NaCl और H2O, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ। इसके ग्राम मिनी ग्राम इक्विवेलेंट देख लें कितने आ गए, 1 N1 V1 और इसका क्या मान लो N2 V2, ये वाले कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट है? 1 mg इक्विवेलेंट। इसका भी कितना है? 1 mg इक्विवेलेंट, दोनों बराबर है, यानी क्या होगा? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो पीएच कितनी होती है? 7। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे पीएच की वैल्यू आती है 7, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। आगे देखिएगा, फाइव इंटू 10^-3 m NaOH विलयन की पीएच क्या है? तो हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग होता तो कंप्लीट आयनाइजेशन होगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी कंसंट्रेशन आपको जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आपके पास में आएगी 5 × 10^-3। तो यहां पे मैं कैलकुलेट करना पीओएच, पीओएच बराबर होता मेरा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो क्या होगा? 3 − log 5, तो कितना होगा? 3 − log 5 कितना होता है? 0.7, कितना होगा? लगभग 2.3, ये पीओएच आ गया। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है यहां पर पीएच, तो पीएच इक्वल टू क्या होगा? 14 − pOH, तो 14 − 2.3, तो कितना होगा? 11.7, फोर्थ ऑप्शन, नोट कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आगे चलते, देखो 10^-6 m NaOH इज डाइल्यूटेड 100 times, द पीएच ऑफ द डाइल्यूटेड बेस इज, देखो पहले मेरे पास में मान लेता हूं मोलिटी और नॉर्मलिटी दोनों इक्वल होंगी यहां पे, क्योंकि यहां पे क्या दे रखा है? NaOH, जिसका वैलेंसी फैक्टर कितना? 1, तो इसको नॉर्मलिटी भी मान सकता हूं मैं। ये कितना 10^-6, वॉल्यूम मैंने मान लिया V, अब इसको क्या क्या 10^-6 मोलरिटी है, मोलरिटी है उसको तो आपको काउंट करना पड़ेगा, नया नॉर्मलिटी मान लेता हूं उसको, वॉल्यूम कितना टाइम कर दिया? 100 times, तो V का कितना होगा? 100 × V, देन V इक्वल टू मेरे पास में कितना होगा? 10^-8, V से V कैंसिल आउट, 10^-8, ये मेरे पास में नॉर्मलिटी आ गई किसकी? हाइड्रोक्साइड आयन की। अगर 10^-8 आ रही है तो यहां पर अब आप अगर 10^-7 से कम आ जाए, 10^-8 होता है वो 10^-7 से कम, अगर 10^-7 से कम वैल्यू होगी तो वाटर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो वाटर उसको मैं साथ में रखूंगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन है ये वाटर से मिलता, वहां पर कितनी होती कंसंट्रेशन? 10^-7, तो हमने यहां पे कॉमन ले लिया 10^-7 कॉमन लिया, तो ये वाला कितना बच गया? 0.1,
और ये कितना होगा 1, तो ये कितना होगा 1.1। तो OH नेगेटिव आयन इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, PO ये वाली कितनी होगी 1.1 into 10 to the power minus 7, यानी POH है उसकी वैल्यू की अगर बात करोगे तो POH की वैल्यू क्या होगी 7 से थोड़ी सी कम आएगी, ये तो है ना, स्लाइट लेस देन 7, 7 से थोड़ी सी कम, तो pH क्या होगी स्लाइट मोर देन 7, 7 से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, यानी वो 7 से थोड़ी सी ज्यादा होगी लेकिन 8 से क्या होगी कम, यानी किसके बिटवीन मिलेगी 7 और 8 के बीच। बस ये याद रखना अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन हो या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हो अगर 10 टू द पावर माइनस 7 से कम आ रही है तो वाटर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्लियर हो, नोट कीजिए इसको, आगे बताते हैं। आगे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू HCl सॉल्यूशन ऑफ PH3 एंड PH7 वर मिक्स्ड, व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, PH3 और PH5 के HCl के दो विलयन के समान आयतनों को मिलाने पर बनने वाले विलयन की pH पूछी, ये मेरे पास में एक सॉल्यूशन था पहला जहां पर H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 टू द पावर माइनस 3, pH इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग H+ आयन की कंसंट्रेशन, pH अगर 3 है तो H+ आयन की कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 3, वॉल्यूम मान लिया अभी ये 10 टू द पावर माइनस 5 वॉल्यूम हो गया, अभी दोनों को मिक्स किया, ठीक है, N1V1 बराबर क्या होता है N2V2 या NRVR, VR और VR कितना होगा 2V, ये होता है NRVR इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 और रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी क्या होगी N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसे सॉल्व करेंगे, पहले के लिए कंसंट्रेशन कितनी है 10 टू द पावर माइनस 3 वॉल्यूम है V, 10 टू द पावर माइनस 5 वॉल्यूम है V, ये वाला कितना होगा 2V। जैसे बेटा मैंने यहां पे रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी के लिए 10 टू द पावर माइनस 5 मान लो कॉमन ले लिया तो कितना बचा मेरे पास में V भी ले लेते हैं 100 प्लस 1 अपॉन 2V, V से V कैंसिल आउट, 101 101 अपॉन 2 हो गया बटा 2 तो लगभग मैं 50 मान लेता हूं तो ये होगा 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ये हो। तो ये तो H+ आयन की कंसंट्रेशन है तो pH इक्वल टू मैं किसके बराबर लिखूंगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो क्या हुआ मेरे पास में 5 माइनस लॉग 50। देखो log 50 को आप देखते हो तो क्या होगा log 50 को मैं ये लिख सकता हूं log 10 प्लस log 5, 50 है 10 इंटू 5 हुआ और log के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन दे रखा हो तो log में ऑपरेट करोगे तो उसको प्लस कर देते हैं 5 इंटू 10 को क्या लिखो log 10 प्लस log 5, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 5 की वैल्यू होती है 0.7, राउंड फिगर में कितना होगा 1.7, तो 5 से 1.7 माइनस करोगे तो कितना होगा 3.3, कौन सा होगा 4, ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट आपको दे रखा है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ में ये बोला था अगर वीक आपके पास में एसिड या बेस है उसको डाइल्यूट करते हो तो उसका आयनाइजेशन इंक्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग का तो हम ये जानते हैं कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता, तो जो डाइल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है वीक वाले के अंदर पड़ता है और इसके अंदर वीक कौन सा होता है एसिटिक एसिड, निम्न में से कौन सा कथन गलत है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, PKW ताप के साथ में बढ़ता है सही है आयनाइजेशन बढ़ेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, कौन सा सही पूछा यहां पर, तो यहां पे देखो हम ये जानते हैं H+ आयन की कंसंट्रेशन देखो H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन है दोनों किसके इक्वल होते हैं 10 टू द पावर माइनस 14 तो PKW कितना होता है 14 बट इट इज एप्लीकेबल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड,
लेकिन टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाओगे आयनाइजेशन कांस्टेंट बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया ये बढ़ के मान लो होगा 10^-12, तो PKW की वैल्यू कितनी होगी 12. इट मींस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर PKW इसकी वैल्यू क्या होगी डिक्रीज, कौन सा होगा ताप बढ़ने के साथ में घटता है. नोट कीजिएगा इसको. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड इन द सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, के की वैल्यू दे रखी है, एसिटिक एसिड की के की वैल्यू दे रखी है, कंसंट्रेशन सेम है, तो यहां पर वियोजन की मात्राओं का अनुपात क्या होता है अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2. ये होता बेटा अल्फा इक्वल टू होता है रूट के ए अपॉन सी, कंसंट्रेशन सेम है तो डायरेक्ट के रेशियो देख लो, क्या देखोगे के ए 1 अपॉन के ए 2. के 1 की वैल्यू है 2 × 10^-4, के 2 है 2 × 10^-5, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बच गया रूट 10, कौन सा सही हुआ फोर्थ. बहुत इजी से क्वेश्चन है बेटा, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनाया गया आपका, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस है, ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72, देयर का द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन SO2+ ½O2 चेंज इन टू SO3, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको गिवेन है 4 × 10^-3, ये वाली वैल्यू आपको गिवेन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन. देखो यहां पे क्या किया है, इस रिएक्शन को जस्ट इनवर्स किया है, हमारे पास में ये रिएक्शन थी SO2+ ½O2 2SO3, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू थी 4 × 10^-3. अब यहां पर पूछा है किसके लिए, इस वाली रिएक्शन के लिए SO3, ये किस में जा रही है 2SO3 है, 2SO2+O2 के अंदर, यानी आपने इस रिएक्शन को क्या किया उल्टा किया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा उल्टा हो जाएगा, इनवर्स में आएगा, क्या बनेगा आपके पास में 1/4 × 10^-3. फिर आपने यहां पे क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, जब किसी कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी पावर लगाने से मिलता है, तो इसकी हमने क्या लगा दी पावर, ये लगा दो, ठीक है, तो कितना हो गया ऊपर जाएगा 10^-3 और इसके और तो कितना होगा 6 और ये कितना होगा 16, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 100 × 10^-6/16, 100 / 16 कितना होता 6.25, ये लिख लिया × 10^4, विच वन फोर्थ, सिंपल सा रिएक्शन को जब आप उल्टा करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जस्ट उल्टा हो जाता है और जिस भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी पावर लगाने से मिलता है. आगे देखिएगा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड बाय एक्स देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बिकम्स, क्रियाकारक की सांद्रता को अक्स गुणा कर दिया जाए तो साम्यावस्था स्थिरांक हो जाता है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली एंड ओनली फैक्टर बाय टेम्परेचर, बाकी किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ही रहेगा. आगे देखो, अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, N2+3S2 चेंज इन टू NH3, ये आपको दे रखा है N2+3H2, ये कन्वर्ट हो रहा है 2NH3. प्रारंभ में 1 लीटर का पाथर है, वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, तो जो मोल का टर्म्स होगा वही कंसंट्रेशन का टर्म हो, कंसंट्रेशन इक्वल टू होता मोल पर वॉल्यूम, वॉल्यूम है 1 लीटर, 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो T=0 पे नाइट्रोजन इसका कितना मोल, 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, और ये कितना मोल लेते हैं 0. साम्य पर उत्पन्न अमोनिया के उदासनीकरण के लिए 100 ml 5 m HCl की आवश्यकता होती है, कंप्लीट उदासनीकरण के लिए, तो कितना हो गई मोल की टर्म में देखोगे, मिली मोल देखो या मोल देख लो, चलो तो मोल क्या होता है m × V होता है, और V को किस में ले लेते हैं लीटर में, लीटर में लेने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 0.5, ठीक है. जैसे ये मैंने इक्विलिब्रियम पे बात की, ये x डिसोसिएट हुआ तो ये कितना हो गया 3x डिसोसिएट होगा, कितना बनेगा 2x,
और ये 2x है वो किसके बराबर है 0.5, तो 2x है वो किसके बराबर आ गया 0.5, देन x किसके बराबर होगा 0.25, तो ये कितना बचेगा 0.75, और ये कितना होगा 3 माइनस 0.75, तो कितना होगा 2.25, और ये कितना है 0.2x इसके बराबर है 0.5। तो हमें ये जानते हैं किसी की वैल्यू देखोगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है मोल पर वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें यूज में नहीं लेना क्योंकि 1 लीटर है, 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोडक्ट में यहां पे देखो NH3 है, इसकी कंसंट्रेशन इसकी पावर 2 अपॉन नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पावर कितनी होगी 3, अमोनिया की कितनी है 0.5, तो ये कितना होगा 0.5 इसका स्क्वायर होगा अपॉन नाइट्रोजन की आप देखोगे तो नाइट्रोजन की कितनी है 0.75, हाइड्रोजन की कितनी आ रही है 2.25, एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर टेकन एज पावर, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसकी पावर लगा दो तो कौन सा हो गया फर्स्ट, नोट किया। आगे देखो ये एक रिएक्शन आपको दे रखी है H2+Cl2 changing to HCl, तो यहां पे इसका यूनिट पूछी है मात्रक क्या होगा इसका, तो क्या होता मात्रक Kp के लिए, Kp इक्वल टू होता है एटीएम की पावर डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी हम जानते हैं क्या होता है समेशन ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एन रिएक्टेंट ओनली टेकन गैसेस स्पीसीज, केवल यहां पर हमें क्या लेना गैसेस स्पीसीज। तो प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल है 2 और रिएक्टेंट में भी कितने हैं 2, तो वैल्यू कितनी होगी डेल्टा एनजी की 0, तो एटीएम की पावर 0, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा केपी और केसी के बीच में रिलेशन, तो क्या होता है केपी इक्वल टू होता है केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, तो देखो केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, एंड वी नो दैट डेल्टा एनजी इक्वल टू समेशन ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल है 2, रिएक्टेंट में कितने होंगे 4, 2 माइनस 4 कितना होगा -2, देन केपी इक्वल टू होगा केसी आरटी की पावर -2, क्लियर हुआ। आगे देखिए नोट कर लिए इसको, देखो फॉर द गैस फेज रिएक्शन 2NO N2+O2 ये जा रहा है, डेल्टा एच है माइनस, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन को उल्टा कर दिया, इसके लिए पूछा है N2+O2 चेंज इन 2NO, तो रिएक्शन को उल्टा किया तो एक्सोथर्मिक किसमें कन्वर्ट होगी एंडोथर्मिक में, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो K की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो K की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज, तो क्या होगा टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे तो K क्या होगा डिक्रीज होगा, कौन सा होगा सेकंड, K डिक्रीज होगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। अब देखो फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है 2x ये दे रखा है, ये केमिकल रिएक्शन गिवन है 2x ये गैस है प्लस y ये भी गैस है, ये कन्वर्ट हो रहा है 2z ये गैस में प्लस 8 यानी प्रोडक्ट के साथ में हीट बन रही है, इसका मतलब प्रोसेस कौन सी होगी आपकी एक्सोथर्मिक, तो यहां पे डेल्टा h है वो आएगा नेगेटिव एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर, और देखो प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल, जहां पर मोल के नंबर कम होता है इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इधर कितने मोल है 2 और इधर कितने है 3, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर किधर जाएगा लेसर नंबर ऑफ मोल की तरफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, तो यहां पर क्या होगा लो टेम्परेचर और क्या होगा हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर इनमें टेम्परेचर सबसे कम कौन सा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर सबसे हाई कौन सा है 1000, तो 1000 एटीएम एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
आगे देखिए, एक रिएक्शन दे रखी है, सीओ प्लस हाफ ओ टू चेंज सीओ, केसी और केपी का रेशियो पूछा है। तो देखो हम ये जानते हैं केपी इक्वल टू होता है केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, एंड केपी अपॉन केसी इक्वल टू क्या होगा, आरटी की पावर डेल्टा एनजी, ये हम जानते हैं। लेकिन यहां पे केपी और केसी का रेशियो नहीं है, किसका रेशियो, केसी अपॉन केपी है। देन केसी अपॉन केपी वन अपॉन आरटी की पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कितना होगा 1 माइनस 3 बाई 2, कितना होगा माइनस हाफ। तो केसी अपॉन केपी बराबर 1 अपॉन आरटी की पावर माइनस 1 बाई 2, माइनस इसको इन्वर्स कर दो तो क्या होगा, आरटी की पावर 1 बाई 2, या इसी को क्या बोल देते, रूट आरटी। ठीक है, तो कौन सा होगा, सेकेंड वन। बहुत इजी से क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन मेडिकल में इस लेवल के ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखो एक मोल अमोनियम कार्बोनेट आपने ले रखा है, इस अमोनियम कार्बोनेट के साथ में आप देखोगे 500 केल्विन पे ये इस प्रकार से डिसोसिएट हो रहा है। यदि साम्य पर कुल दाब 380 में, तो केपी का मान क्या होगा, देखो बहुत सिंपल सा है, ये आपको दे रखा है अमोनियम कार्बोनेट, किसमें जाएगा, अमोनिया प्लस CO2। देखो दाब के पदों में स्टाइकोमेट्री देखोगे ये कितना होगा 2p, और ये वाला क्या होगा p, और टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर दे रखा है, इक्विलिब्रियम पे बात कर रहा हूं मैं, किसके बराबर है 3p, 3p किसके बराबर आ गया 3, तो p की वैल्यू कितनी होगी 1, तो पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है, p कितना हो गया 1। देन kp इक्वल टू हम ये जानते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इसकी पावर 2 * पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया है इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, p की वैल्यू है 1 2, तो ये क्या होगा 2 की पावर 2, और ये क्या 1, तो कितना आ गया 4। ठीक है, तो kp की वैल्यू होगी 4। देखो विच वन इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे सदैव बढ़ती है, ऐसा नहीं है, एंडोथर्मिक के लिए इंक्रीज होती है, एक्सोथर्मिक के लिए डिक्रीज होती है, उस ताप पर जल में गैसों की विलयता ऊंच होती है नहीं, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन होती है लो टेम्परेचर। ऐसे देखो एक गैसीय अभिक्रिया जिसके लिए डेल्टा एनजी नॉट इक्वल टू जीरो में नियत दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं दाब, नियत दाब पर अगर मिलाओगे इनर्ट गैस तो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा किधर, मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। के का उच्च मान ये इंगित करता है कि उत्पाद अभिकारक की तुलना में अधिक क्रिया अधिक स्थायी, सही है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आप देखोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखोगे, अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 की प्लस पावर में है, तो इसका मतलब क्या है, क्या होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो, इसका मतलब प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा है, और किसी भी रिएक्शन में वो बनता है जो ज्यादा स्टेबल होता है, इट मींस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। के की पॉजिटिव पावर है तब तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव पावर होती है तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है, तो कौन सा हो गया फोर्थ। अब देखिए एक अभिक्रिया यहां पे दे रखी है, द रिएक्शन मिक्सचर कंटेनिंग हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड अमोनिया हैज पार्शियल प्रेशर 2 atm 1 atm एंड 3 atm रेस्पेक्टिवली एट 725 केल्विन। इफ द वैल्यू ऑफ केपी फॉर द रिएक्शन इज 4 × 10⁻⁵, देन व्हिच डायरेक्शन इज नेट रिएक्शन टेक प्लेस। अब देखो किसी कंडीशन पे इसके मोल दे रखे तो उसके बेसिस पे, या प्रेशर दे रखा तो उसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर लो क्यूपी, और हम ये जानते हैं क्यूपी और केपी में ये वाली ज्यादा होती है तब तो किधर जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और क्यूपी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी किससे केपी से तो किधर जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिएगा केपी इक्वल टू क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इसकी पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर 3। अमोनिया के कितने मोल दे रखे आपको 3, 3 की पावर 3 कितना हो गया 9,
हाइड्रोजन के कितने मोल है? टू, टू की पावर कितनी होगी? थ्री। नाइट्रोजन का कितना? एक, तो कितना होगा? नाइन अपॉन एट, यानी वन पॉइंट समथिंग आ गया, 1.1 मान लेता हूं। तो ये क्यूपी है आपका किसी कंडीशन पे, ये मोल दे रखे इक्विलिब्रियम के अलावा कोई किसी कंडीशन पे, जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो होता है रिएक्शन क्वेश्चेंट। तो यहां पर ये वाले रिएक्शन क्वेश्चेंट है 1.1 और केपी है 4.2 × 10⁻⁵। इट मीन्स क्यू की वैल्यू केपी से ज्यादा है। तो अगर रिएक्शन क्वेश्चेंट ज्यादा होगा तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और क्यू और केपी दोनों बराबर, इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन द इक्विलिब्रियम? निम्न से कौन सा साम्यावस्था पर अमोनिया की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं करेगा? अमोनिया की सांद्रता में कोई परिवर्तन कब नहीं हो? दाब को बढ़ाओगे तो कम मोलों की तरफ जाएगा, आयतन बढ़ाओगे तो दाब का इनवर्स इफेक्ट होगा, ताप का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उत्प्रेरक का योग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस रिएक्शन है, उसकी रेट बढ़ जाती है अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट। एक अभिक्रिया आपको दे रखी है जिसके लिए केसी की वैल्यू आपको गिवन है, केपी कैलकुलेट करना है, एंड वी नो दैट केपी इक्वल टू होता है केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। यहां पे डेल्टा एनजी की वैल्यू देखो, प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल है? टू। रिएक्टेंट में भी गैस के कितने मोल आ गए? टू। कितना हो गया? जीरो। तो ये वाली टर्म तो कितनी बन गई आपकी? वन। किसी भी पावर जीरो होते वैल्यू होती है वन, देन केपी किसके बराबर हो गया? केसी। और केसी की वैल्यू आपको गिवेन है कितनी? 4 × 10⁻⁶। नोट कीजिए, एक रिएक्शन दे रखी है जहां पर डेल्टा जी नॉट है उसकी वैल्यू −200 kJ/mol। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन विल बी, देन वी नो दैट डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता −2.303 एनआरटी लॉग केसी। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? ये वैल्यू नेगेटिव में कब रहेगी? जब केसी है उसकी वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन वन। तो लोग की ये वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो ये वाला पॉजिटिव टर्म होगी, पहले साइन किसका? माइनस का। तो रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा आपको? माइनस, यानी केसी मस्ट बी ग्रेटर देन वन। अब देखिएगा ये विक्रिया दे रखी है, ए बी में जा रहा है, बी सी में जा रहा है, सी डी में जा रहा है, एक दो और तीन, इनसे डी बनाना है तो तीनों को जोड़ को दो, थ्री को, तीनों रिएक्शन को ऐड किया, थ्री स्टेप रिएक्शन है, तीनों को हमने ऐड किया तो देखो बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, क्या बनेगा? एडी। और हम ये जानते किसी भी ओवरऑल रिएक्शन का फॉर्मेशन किसी स्टेप रिएक्शन को जोड़ने से होता है, तो उसका ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, स्टेप रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है, उनका मल्टीप्लीकेशन करने से बनता है। तो ओवरऑल कैसे क्या होगा इनका मल्टीप्लीकेशन? 1 × 3 × 5, तो कितना हो गया? 15। फर्स्ट वन, आगे देखो, यदि रिएक्शन क्वेश्चेंट है उसकी वैल्यू वन है तो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में क्या रिलेशन होता है बेटा? ये होता है डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू या 2.303 लॉग क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी? वन। लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो ये वाली टर्म कितनी होगी? जीरो। देन डेल्टा जी बिकम इक्वल टू डेल्टा सी नॉट, ठीक है। अब देखिएगा, इक्विलिब्रियम 2SO2+O2, 2SO2+O2 चेंजिंग 2SO3, 2SO2+O2 ये किस में जा रहा है? 2SO3 में। T इक्वल टू जीरो टाइम पे 2 mol of SO2 ये हो गया, 1 mol of O2 और ये कितना है? जीरो। टोटल मोल कितने हैं? 3 मोल कितने हैं? 3। और प्रेशर भी कितना है इसका? स्टार्टिंग वैसे भी जानते हैं P इक्वल टू एनआरटी, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया N, तो इसको प्रेशर की टर्म में भी आप कर सकते हो। जैसे यहां पे बात करें इक्विलिब्रियम पे, ये क्या होगा? 2 − 2x, ये क्या होगा? 1 − x और ये क्या बनेगा? 2x। इनका सम देखोगे तो क्या होगा? 2 +
2x से 2x कैंसिल आउट, 2 और 1 कितना होगा 3, इनको ऐड किया तो कितना होगा 3 माइनस एक्स, ये वाला वो किसके बराबर आपको दे रखा है, ये वाला दे रखा है प्रेशर के टर्म में दे रखो, 3 माइनस एक्स है वो किसके बराबर आ गए टोटल प्रेशर 2.5 के, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन होता है तो इसके टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक्स किसके बराबर आ गया मेरे पास में 0.5, तो केपी है वो इसी टर्म में लिखोगे तो कितना होगा 0.5 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 1 अपॉन 2 माइनस 2x, यानी 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, और ये कितना 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस 0.5 कितना बच गया 0.5, पॉइंट हटाए ऊपर कितना होगा 10, 5 2 जा 10, तो कितनी वैल्यू आ गई केपी की 2, ठीक है नोट कीजिएगा इसको। दिए गए साम्य के लिए स्थिरांक केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में हम लिखोगे, सॉलिड के लिए नहीं लिखा जाता, ओनली एंड ओनली यूज्ड गैसेस स्पीसीज, तो ये गैसेस स्पीसीज है, तो केपी क्या होगा प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, सीओ का पार्शियल प्रेशर बट अपॉन सीओ टू, इसका पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू, ठीक है। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, पीसीएल 5 पीसीएल 3 और सीएल 2 में जा रहा है, अभिक्रिया के लिए नियत ताप पर अगर अभिक्रिया के पक्ष में शर्त क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को ऐड करते हो आप, इनर्ट गैस एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पीसीएल 3 को ऐड करते हो तो जिधर से ऐड करोगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो कौन सी डायरेक्शन में गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीसीएल 5 को आपने ऐड किया तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, जिधर ऐड करते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में गया फॉरवर्ड डायरेक्शन, पूछा भी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, जब रिएक्टेंट को ऐड करते हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो कौन सा होगा थर्ड वन। तो ये था आपका पेपर, बहुत एकदम बेटा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, एकदम जो मेडिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को लेकर बनाया गया था, हमारी टीम ने काफी रिसर्च करके पेपर बनाते हैं, सब पूरा ऐसे एनालाइज करते हैं कि पिछले 5 साल में 10 साल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, हम पेपर में वही डालते हैं, तो जो भी आपको पेपर दिया जाता है उसको अगर आप एक बार सोल्व कर लेते हो, एक बार घर पे जाके फिर से इसको सोल्व कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशन दिया जाता है, तो इसके थ्रू आप अपने डाउट उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।